नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। जहां एक ओर खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए सरकार तरह तरह की योजना चला रही, वहीं ठेकेदार इन योजनाओं पर पानी फेर अपने लाभ के धंधे के चक्कर में इस योजना को पलीता लगा रहे हैं। ऐसा ही मामला चंद माह पूर्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत लाबरिया दसई प्रधानमंत्री रोड से सैमलखेड़ी खुर्द तक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़क का निर्माण किया गया, जिसमें ठेकेदार ने गुणवत्ता का ध्यान न रखते हुए अपनी मनमर्जी से सड़क का निर्माण किया, जो पक्के मुरम की जगह काली मिट्टी ही डाल दी गई, जो बारिश में फिसल पट्टी बन गई तथा वाहन चालकों को निकलने में भारी परेशानी हो रही है। और तो और ठेकेदार ने किसानों के खेतों में पानी की निकासी का भी ध्यान नहीं रखा, इसके कारण खेत तालाब बन गए और फसल बर्बाद हो रही। जहां पानी निकासी के लिए पाइप लगाना थे वहां न लगाते हुए अन्य स्थान पर लगा दिए, जिससे खेतों का पानी तालाब की तरफ भर गया है और फसल बर्बाद हो रही है। किसान सुरेश मारू का कहना है, निर्माण के समय हमने कहा था कि पानी यहां पर पाइप डालने पर ही निकलेगा, तो उसने कहा था यहीं पर डालेंगे, लेकिन ठेकेदार ने रात्रि में ही पाइप डाल दिया, जो करीब 100 से 150 फुट दूर डाल दिया, जहां पर पानी निकल ही नहीं पा रहा है। जब ठेकेदार को पानी निकलने का अंदाजा नहीं है तो फिर वो ठेकेदार किस बात का। मौके पर ग्राम पंचायत खुटपला सरपंच रामलाल गामड़ एवं पटवारी पंकज चंद्रवंशी ने मौके पर पहुंचकर मौके पर पंचनामा बनाया गया। खुटपला से सिमलखेड़ी रोड की सड़क योजना में काम चल रहा था, जिसमें ठेकेदार द्वारा सर्वप्रथम काम स्टार्ट हुआ समय में उसको दिखा दिया जहाँ पुराना पानी का निकास था, वहाँ निकास बता दिया कि यहाँ पे पाइप डालना है। उसने उस समय मान भी लिया यहाँ डाल देंगे। उसके बाद रोड का काम पूरा हो गया, पाइप डाला गया जहाँ पे वो डालना था वहीं नहीं डाला, पुराना निकास पे अन्य जगह डाला गया 200 फीट दूर मुझसे, जिसके कारण मेरे खेत में पानी अभी भरा हुआ है पूरा खेत। ठेकेदार को आपने पहले बताया था क्या? ठेकेदार को बता दिया था कि पाइप डाला हुआ है, उसके बाद भी उसने यहाँ नहीं डाला और सामने वाले ने मुझे वहाँ 200 फीट ऊपर डाल दिया, जिसके कारण पानी 100 फीट उससे दूर रह गया। उसके बाद भी रोड के ऊपर से निकल के नाले के अंदर पानी नहीं गया, तो सामने ही मेरे खेत के पानी अंदर दिख गया। सरदारपुर से मनीष चौधरी की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर नाइन में।